धार जिले के नालछा में आज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू से जोड़ने वाली नगर की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण देखने जिले के कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन पहुंचे। इस अवसर पर कलेक्टर ने सड़क व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर जानकारी ली, साथ ही सड़क से जल निकासी व्यवस्था को जाना और सुधार को लेकर तहसीलदार सहित ग्राम पंचायत एवं अन्य पदाधिकारी को निर्देश दिए। वही मार्ग के दोनों ओर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी सड़क निर्माण और पुलिया निर्माण में त्रुटियों पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद SDM नेहा शिवहरे भी मौके पर पहुंची थी तथा संबंधित लोगों से चर्चा भी की गई थी। आज कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने अवलोकन कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई और सड़क के आसपास के अतिक्रमण हटाने सहित सड़क पर बह रहे नालियों के पानी को लेकर भी सुव्यवस्थित निकासी व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज आपने नालछा में निरीक्षण किया पुलिया और रोड का, इसमें सर आपने क्या? ये रोड का जो निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा है, इसको शीघ्र करना है और उसके साथ साथ जो यहाँ मुख्य समस्या है कि लोगों के निस्तार का पानी चूंकि रोड पे ही आता है, तो हम भले रोड बनाएं, कितनी भी अच्छी रोड बना लेंगे, लेकिन यदि लोगों का निस्तार का पानी रोड पे ही आएगा तो उससे प्रदूषण भी फैलेगा और उससे बीमारियों की संभावना भी रहती है, गंदगी फैलती है, तो उस चीज़ को भी साथ में देखना है। तो कुछ लोगों के कब्जे जो बहुत आगे तक हैं वो नाली के लिए एटलीस्ट हमें क्लियर करने रहेंगे पहले। सर इसमें पुलिया जो निर्माण हो रही थी उसमें सर कहीं ना कहीं टर्न में ज़्यादा दे दिया तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, उसको आप दिखवा रहे हैं जो जितना हो गया है जितना उसमें ईज आउट कर सकेंगे दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।